बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मोगरा। आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर यानी कि देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती यानी कि उनका जन्मदिन। उनके जन्मदिन के मौके पर आज देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से जब राष्ट्रपति वो थे तो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए काफी कुछ किया गया था और यही वजह है कि उनके सम्मान में आज के दिन को ना सिर्फ उनकी जयंती के तौर पर मनाया जाता है बल्कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और इस बात का ऐलान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया था कि आज के इस दिन को उनके सम्मान के तौर पर, कि आज के इस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर जाना जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान काफ़ी रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में। बतौर राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने छात्रों के लिए ना सिर्फ काम किया है बल्कि समाज कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उनकी तरफ से उठाए गए हैं। एक गरीब परिवार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आते थे, एक ऐसे परिवार से जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता था उनकी पढ़ाई लिखाई, लेकिन बावजूद इसके कड़ी मेहनत उन्होंने की, कड़ा परिश्रम किया। और यही वजह कि जब जो जिम्मेदारी, जिस भी पद पर, जिस भी जिम्मेदारी के साथ वो रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है, अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है और आज मिसाइल मैन को ये पूरा देश याद कर रहा है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। देश के कल्याण के लिए डॉक्टर कलाम ने जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक टीचर, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और लोगों की सेवा में लगा दी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने सिद्धांतों के लिए और अपने विचारों के लिए भी जाने जाते थे और यही वजह है कि आज जो देश है वो उन्हें याद कर रहा है। खास तौर पर जो आज की युवा पीढ़ी है, कहा जाता है कि युवा पीढ़ी को खास तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों पर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसी पर आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि कैसे संयम के साथ, पेशेंस के साथ, कड़ी मेहनत के साथ जो अपने टारगेट्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है।